भागलपुर जिले में आपराधिक घटनाओं में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। हत्याओं का दौर लगातार जारी है। ताजा मामला कजरेली थाना क्षेत्र का है, जहां पछियारा बहियार के बगीचे से एक अधेड़ का छत विच्छत शव बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर कजरेली पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान चांदपुर निवासी 50 वर्षीय सुनील कुमार सिंह के रूप में हुई है। मृतक की बेटी करीना भारती ने बताया कि कजरेली स्थित पिता का टेंट हाउस का दुकान है, वहां पर ठेला चलाने का काम मिथुन मंडल नामक युवक करता है। उसकी पत्नी से पिता का अवैध संबंध था, जिससे नाराज मिथुन ने ही पिता की हत्या करवाई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे मृतक दुकान पर गया था, देर रात हो जाने के कारण वापस नहीं लौटा, तो घर से कई बार मृतक के मोबाइल पर कॉल किया गया लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। सुबह 6 बजे घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को फोन पर दुकान के स्टाफ राजेश पंडित ने दिया। बगीचा में सुनील कुमार का छत विछत अवस्था में लाश बरामद हुआ है, जिसके बाद परिजन बगीचा पहुंचे और वहां पर सब की शिनाख्त की। मृतक को धारदार हथियार से गला रेता गया है, पेट पर भी चाकू मारने के निशान है। मौके पर पहुंची पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। 7 बजे पापा घर खाना खा के 7-8 बजे निकले, उसके बाद फिर जब रात हुआ पापा 10 बजे तक घर रोज आ जाते थे। कल आज पहले तो शाम में ही आ जाते थे, कल नहीं आए। हमको लगा 10 बजे आ जाएंगे घर, तो फिर नहीं आए। तब मम्मी नीचे आई छत पर से, बोलती फोन करने पापा को, पापा को फोन की मोबाइल नहीं लगा। फोन रात भर उसको फोन किए, व्हाट्सएप पे भी हम फोन किए, बंद बता रहा है मोबाइल उसका। फिर सूचना मिला, सबको हम फोन किया, पापा का जितना दोस्त सब है जहाँ पापा जाते थे, तब फिर फोन किया तो पता चला कि कहीं नहीं गए पापा। कोई बोलता था कि कल परसों ही भेंट हुआ था, कोई 4 दिन पहले हुआ था। फिर जो है पता चला, मेरा भाई पता किया तो बोला कि कल शाम में ही पापा घर वहाँ दुकान पर से निकले थे। टेंट का काम करते हैं शादी में। सुबह फिर हम राजेश पंडित एक लती लेबर है उसको हम फोन किए, पहले इस रात में भी उसको फोन किया, वो बार बार किया, रिसीव नहीं किया। बोला कि मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, वो भी अभी यहाँ नहीं है। वो पहले बताता था सब कुछ, अभी वो गायब है। क्या लगता है, काम करता था मेरे यहाँ, क्या लगता है हत्या का वजह क्या सकता है? वो एक ठेला वाला था रामदेव मंडल, उसका बेटी से पापा फोन करती थी, उसकी बेटी ममता नाम है उसका। तो वो एक बार फोन आया था ना, फोन की उठाए ना, फिर इधर से हम किए फोन, वो काट दी, वो गाली गलौज करने लगी। उसको हम बोले जिस दिन तुम्हारे बारे में पता चलेगा ना, तुमको हम बता जरूर बताएंगे। क्या लगता है कौन हत्या किया है? रामदेव मंडल, रामदेव मंडल का जमा है और उसका जो भी खानदान में होगा वही सब किया है। और उसकी बेटी ममता, यानी कि रामदेव मंडल की बेटी, जमाए का नाम है मिथुन। वो मेरे घर पे भी आया था एक बार देखने के लिए, सुनील का घर कैसा है। उसको हम पूछे भी थे, फोन किए हम, कि हम उसको बोले थे तुम्हें कन्या मेरे पापा फोन करता है साल भर से। हमको पिछले साल दुर्गा पूजा में फोन भी की थी, तो वो नंबर पता चला कि मेरी बहन बोली कि ये नंबर हम देखे हैं इस तरह का। जब हम घर गए अपना माई गया ना चांदपुर, तो वहाँ पे पता चला कि नंबर जो है वो सेम है जो मेरे मोबाइल पे फोन आया था। हमको पता नहीं था कि रामदेव मंडल की बेटी है, ठीक। बाद में पता चला हमको कि रामदेव मंडल की बेटी है, राजेश पंडित है, वो हमको बताया कि राजा वो जो है रामदेव मंडल की बेटी है। एक प्रेमी जोड़ा अपने परिजनों से खुद के जान का खतरा बताते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने सीनियर SP कार्यालय पहुंचा और पुलिस कप्तान को आवेदन देकर सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की। दरअसल मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के जरलाही के रहने वाले 24 वर्षीय गोपी हरि को 2 साल पहले बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज निवासी सुबोध शाह की बेटी नीसू से प्यार हो गया। दोनों 2 साल पहले दुर्गा पूजा के मेले में मिले थे, जहां से दोनों में प्रेम हुआ था। 2021 में दोनों ने घर वालों के विरोध के बावजूद गोनूधाम मंदिर में शादी कर ली, जो लड़की के घर वालों को रास नहीं आई। लड़की नीसू के मुताबिक शादी के बाद उसके मामा निरंजन कुमार और माँ पुतुल देवी मारपीट करती थी और घर में बांध कर रखती थी। कल किसी तरह से शाम में घर से भागी है, जिसके बाद ISSP के पास आकर लड़की ने अपने माँ बाप और मामा के खिलाफ आवेदन दिया है। नीसू के पति गोपी हरि ने बताया कि उसके घर वाले राजी है, जबकि लड़की के घर वाले लगातार टॉर्चर कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज SSP से मिलने आए हैं। सीनियर SP ने उनकी बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और उचित कार्रवाई कराए जाने का भरोसा दिलाया है। वहीं पूरे मामले पर SSP बाबूराम ने कहा कि संबंधित थाना प्रभारी को न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मम्मी पापा धमकी देता है कि दोनों जान मांग देंगे, हमको ललका गल में नाना है, हमको किसी को मतलब मामा से बता धमकी दे। किसको
कौन धमकी देता है? मम्मी पापा किसको जान से मारने के लिए? हम दोनों को। हम दोनों काहे धमकी देते हैं? की शादी किए हैं। कब शादी किए थे? एक साल पहले। एक साल पहले फिर क्या हुआ था आगे बताइए। आगे हुआ कि दोनों जान मारने पिन शादी कर पिन गन में बांध कर लग गया पिन हम भाग गए लड़का। आपको आपके परिवार वाले ही बांध करके रखे? कितना दिन रखे बांध कर? एक साल लगता था बांध। एक साल तक घर में बंद कर रखे थे? हाँ घर में। फिर कब भागे आप? हम कल भागे 6 बजे शाम में। कल भागे फिर कहाँ? अपने पति के पास? हाँ पति के पास। अभी पति के पास आए थे। एसएसपी सर से मिले क्या बोले आप अंदर में? अभी सर बड़ा पंची ठीक है जा। आप अपनी शिकायत बताया? हाँ अच्छा बता दिए। बता दिए। कहाँ घर है आपका? हसनगंज। हसनगंज। आप पति का घर कहाँ है? जरलाई। कहाँ? जरलाई। जरलाई। क्या नाम हुआ आपका? निशु कुमारी। पति का? कॉपी हली। आप पिताजी का नाम? शिवोच्चा। कौन धमकी देता है आपको मारने का? पिताजी? पप्पा मम्मी मामा सब। पापा मम्मी मामा सब धमकी देते हैं? ये हम दोनों अपना मर्जी शादी किया, ये हमको पसंद किया, हम इसको पसंद किए, घर में गार्जियन इसका राजी नहीं है। लड़का को बोलता है कि जहाँ देखेंगे मार देंगे तुमको, लड़का को या लड़की दोनों को। एक इसका मामा, क्या नाम है मामा का? रंजन। वो बोला, और इसका मम्मी है, थाना में पैसा कौड़ी दे दिया था अगला साल, तो दोनों को पैक कर दिया। उसके बाद इसको अलग रखा, हमको अलग रखा। उसके बाद इसको रात में ले गया, फिर उसके बाद घर से इसको लगा सुना सिंदूर उन्दूर धो के लेकर आया थाना पे, फिर थाना से हमको वहाँ पे रखा, इसको छोड़ दिया। हमसे फिर पैसा लिया छोड़ने का, कत्ता लिया 1500 रुपये लिया छोड़ने का। वो बवरगंज थाना, मेरा थाना पड़ता है यहाँ। क्या बताऊँ, अभी यहाँ आए थे सर के पास अपना इंसाफ मानने। क्या बोलते हैं? एसएसपी सर। क्या बोले? एसएसपी सर बोला है, उसको फ़ोन किया बवरगंज थाना में कि लड़का लड़की क्या मैटर है, तो भाई बोला कि ठीक है लड़का और लड़की को ध्यान देना, कुछ हुए नहीं। कहाँ घर है आपका? मेरा जरलाई गोरट्टा चौक। कितने दिन पहले शादी किए? एक साल हो गया मेरा शादी का। 2021 में शादी किए थे, अभी सब चीज़ें मेरे पास। शादी कहाँ हुई थी? शादी गोनू धाम में किए थे। मंदिर में? मंदिर में। विरोध करते थे? हाँ शादी विरोध करते थे पूरा। आए तो आदमी लगा दिया था मेरा घर पे। हम दोनों का घर कहाँ है? मेरा जरलाई गोरट्टा चौक। पापा का नाम? पापा का नाम हुआ महेश्वरी। ससुर का नाम? इसका बवरगंज असरगंज हुआ। ससुर का नाम क्या है? सुबोसा। तो आप लोग बताइए मेरा, हम दोनों की इंसाफ कीजिए। शादी किए को गलती तो नहीं है किए, दोनों बालिग हो ना? दोनों बालिग हैं, बस सब कोई गलती नहीं। इसका मम्मी आता है, पुलिस लेकर आता है घर में। प्रेम संबंध में थे आप दोनों? हम दोनों 2 साल से प्रेम कर रहे थे। कैसे मिले थे दोस्तों? मतलब चौक पे जाते थे, पूजा पाठ का दिन था, गए थे मेला ला घूरने, तो उसी में हो गया था भेंट उठ, तो बात उत होने लगा, ये हमको पसंद करने लगा, हम इसको पसंद करने लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ गोपी हरी। उनका कहना था कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है और उनको ये खतरा है कि घर के लोग उनको परेशान कर सकते हैं। हालांकि जो लड़की के परिजन है वो थाना पहुँचे हुए हैं FIR दर्ज करने के लिए, तो थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो सुनिश्चित करें, लड़की का कोर्ट में स्टेटमेंट करवा दें, उम्र का सत्यापन करा लें, अगर वो बालिग हैं तो उसमें फिर कोर्ट निर्णय लेंगे, और अगर नाबालिग है तो उसके हिसाब से कोर्ट निर्णय लेगा। लड़की ने सर बताई थी कि उसके माँ बाप उसको घर पर बांध कर रखे थे, इस मामले पर भी सर जाँच होगी क्या? जैसा भी वो आवेदन देंगी उसके हिसाब से जांच की जाएगी। अगर आप भी बिना परिचित के लोगों से पैसे की लेन देन कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके आसपास ही ठग घूम रहे हैं। एक मामले में भागलपुर के गोलाडीह प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत के पीथना और सरैया गांव की कुछ महिलाएं भागलपुर के सिविल कोर्ट गेट के पास पहुंची और घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। उन लोगों ने बताया कि एक ठग रुपया दुगुना करने और लोन दिलाने के नाम पर तकरीबन 20 लोगों से 21,000 रुपये ठग कर गायब हो गया। उन लोगों का कहना था कि पैसे ठग ने अपना नाम दीपक शर्मा बताया, जो कि भागलपुर का रहने वाला है। उन लोगों के पास ना तो व्यक्ति का मोबाइल नंबर था और ना ही उसके कार्यालय का कोई पता। वहीं ठग ने लोगों से कहा कि यह पैसा देने के बाद आप मनचाहा लोन ले सकते हैं और आपके पैसे भी दुगने हो जाएंगे, परंतु जब उससे कागजात की मांग की गई तो वो देने से इनकार कर दिया और धीरे धीरे वहां से खिसक गया। पैसा लेने के बाद ना तो ग्रामीणों के पास पैसे ही रहे और ना ही किसी प्रकार के कागजात। परेशान व मायूस होकर सभी लोग अपने अपने घर वापस लौटे। यह घटना लोगों को सीख देती है कि जब भी पैसे के लेन देन करे तो जरूर कागज व परिचय पत्र सामने वालों का भी रखे। बोल रहे थे वो पैसा आया और बोलिस की 80,000 रुपये पास है और 40,000 रुपये पास है, ठीक है। उसके बाद उसके बोलिस की देखिए 80,000 का 21,000 रुपये बीमा फीस लग रहा है और 40,000 का 16,000 रुपये बीमा फीस लग रहा है। कल आया, कल का आधार कार्ड कर लेके गया सबको फोटो, और उसके बाद आज आया, आज कल 16 तारीख था, कल 16 तारीख को आधार कार्ड के जरा से लेके गया, और आज 17 तारीख को 14 आदमी का
किसी का 2100, किसी का 1600, ऐसे करके पैसा लेके गया। कुल मुठ में 13 आदमी का 2100 रुपये लेके गया है और एक आदमी का 1600 रुपये लेके गया है। टोटल आदमी का पूरा टोटल आदमी का 3500 आदमी लेके गया है। क्या कहा? 14 आदमी का लेके पैसा गए और जाने के बाद वहाँ बोला कौन चीज 2 बजे है ना पैसा मिलेगा यहाँ पे, आप लोग 2 बजे चलिए वहाँ पैसा देंगे हम, और सबका 2000, किसी का 22000 ऐसे ले लेके। कितना पैसा देने का बात? 30000 का, 30000 और 40000, 80000 देने का बात हुआ था। लोन? हाँ लोन, और बोला कि आज कहीं पैसा पास हो जाएगा, अपने अकाउंट से निकाल के दे दीजिए वहाँ पे। 35 आदमी का लिया? हाँ 35 आदमी का लिया पैसा, और इस आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है नेहा। अच्छा आए तो क्या देखे यहाँ? पता बताया, यहाँ पता बताया तो यहाँ कोई पता नहीं है, यहाँ पे कोई पता नहीं है। बोला कि कोतवाली चौक में यहीं पे थाने के बगल में, बोला कि यहीं पास है बगल में, तो बगल में कोई थाना भी है, थाना है मगर मॉल सब है। सर आया से सर 20 आदमी के पैसा लेके चला गया। कौन? एगो सर आया है, बोला कि हमको 80000 राके कुमार, 80000 हम पैसा देंगे लोन। हम लोग कहा कि कालखना गया है सर, आए फिर भी गया 8 बजे, 8 बजे सब प्रूफ लिया, कहा कि चलो मेरे संग में पैसा हम देंगे 80000 नहीं पे बरौन चल। बोला हम सब पैसा कर्जा उर्जा करी के 2000 पैसा कता, कहा कि 2500 टका के लगेगा, हो 2100 टका के लगेगा हो बीमा फीस। हम कहा है किसी की वहीं पर जमरो काटी लियो 80000 जब वो वहीं काटी लियो। कल कहना है वहाँ नहीं काटवाई हमारा, नहीं 80000 पैसा रो बीमा हमारा नहीं, 2100-2100 टका देता हमारा 20 आदमी 2100-2100 टका देना। भागलपुर शहर का हृदय स्थल लाजपत पार्क, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, साथ ही बड़ी संख्या में युवा अलग अलग खेल की प्रैक्टिस करते हैं। मैदान के समीप नगर निगम प्रशासन के द्वारा एक बार फिर से मनमानी करते हुए कूड़ा डंपिंग जोन बनाने की तैयारी की जा रही है। बीचोबीच घनी आबादी वाले जगह जहां तकरीबन 5 हॉस्पिटल, 4 विद्यालय, NCC कार्यालय, स्काउट गाइड कार्यालय, कला केंद्र, मंदिर व दरगाह है, वहां नगर निगम कूड़ा डंपिंग जोन बनाने जा रहा है, जिसको लेकर कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठन और स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। नगर निगम प्रशासन के अड़ियल रवैये के खिलाफ कुछ लोग सड़क पर उतरे और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भागलपुर शहर के कई स्कूल के बच्चे, कई सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान के कार्यकर्ता, समाज सेवी, शिक्षाविद, चिकित्सकों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही शहरवासियों ने नगर निगम प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हुए अपील किया। शहर के पौस इलाके में जहां घनी आबादी और शहर का एकमात्र पार्क है, जहां लोग सुबह शाम शुद्ध हवा लेने आते हैं, वैसे लाजपत पार्क के नजदीक पूरे शहर का कूड़ा डंपिंग जोन न बनाए। बताते चले पिछले साल भी काफी मशक्कत के बाद यहां से कूड़ा डंपिंग जोन को हटाया गया था। हम यहां मजार के मौलवी हैं, उसके बाद जो है यहाँ जो गंदगी जो फैलेगा हर जगह बीमारी फैलेगा, इसको दूसरे जगह रखा जाए, बस यही आपसे कहना है। हम हनुमान मंदिर का पुजारी हैं, कूड़ा गिरने से बहुत यहाँ पर क्षति हो रहा है। मैं प्रिंसिपल दुर्गाचरण हाई स्कूल, ये विरोध एकदम जायज़ है, होना ही चाहिए विरोध। हमारे बगल में लाजपत पार्क है, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में हमारे बच्चे से बूढ़े तक सबको आते हैं, यहाँ खेलते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। सामने कूड़ा का ढेर, पिछले ही साल में कूड़ा का एक अंबार लगा था, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वो हटा है। पिछले ही साल इसी समय की बात है, फिर सेम रिपीटेशन इस साल हो रहा है, और लग रहा है कि ये परमानेंटली अब ये व्यवस्था नगर निगम के द्वारा या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा जिसके तहत भी हो रहा हो ये किया जा रहा है। देखिए ये विरोध इसलिए है कि सरकार जो है या नगर निगम भागलपुर जो है शहर के बीचों बीच कूड़ा घर बनाने जा रही है। समझिए यहाँ पर स्कूल है, कई नर्सिंग होम है, यहाँ लाजपत पार्क है जहाँ लोग टहलने के लिए शुद्ध हवा लेने के लिए आते हैं, और नगर निगम व्यवस्था कर रहा है कि आपको यहाँ अशुद्ध हवा मिले ताकि सारे शहर का कूड़ा यहाँ गिराया जाएगा। तो सोचिए यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की क्या स्थिति होगी। स्वास्थ्य लाभ के लिए बगल में लाजपत पार्क है, ट्रैगिंग बनाया गया है, और दुर्भाग्य है इस शहर का कि उसी स्वास्थ्य लाभ के जगह पर ये मुख्यदा स्कूल के बॉर्डर दीवार के तुरंत बाद ये जो है कूड़ा का डंपिंग सेंटर बनाकर इसको जो है यहाँ पर एक सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका कि विरोध यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और हम लोग भी इसका विरोध करने आए हैं कि ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है।
हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर शहर में इनको कूड़ा फेंकने का जगह नहीं है तो किसी के दरवाजे पर कूड़ा फेंकने का तो कोई औचित्य नहीं है। यदि स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी को कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ा का जहाँ भी इकट्ठा करना है वो किसी अन्य जगह को देखें। और ये जो लाजपत पार्क है, जो मॉर्निंग वॉकर के लिए हमारे यहाँ ये जो व्यवस्था है, सरकार की लाखों करोड़ों की खर्च हुई, ट्रैकिंग बनाया गया और वहाँ भी इन लोगों ने क्या किया है, कूड़ा फेंकने वाला सारा उपकरण को रखा है। ये सारी मानसिकता इनकी पागलपन की ओर दर्शाता है। कूड़ा करकट नहीं फैले और स्कूल के पास सफाई बनी रहे और सफाई कर कूड़ा करकट नहीं रहने के लिए हम इस अभियान को चलाए हैं और बहुत सारे बीमारी इस कूड़े करकट के वजह से होती है। विरोध सर एकमात्र कारण है यहाँ विरोध का, हर बार होता है, हर साल होता है, विरोध भी हम लोग के लिए अब आम सा बात हो गया है यहाँ पर। निगम प्रशासन को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हमारी बात से, सारे लोग से यहाँ पर अंजना ये डॉक्टर सुशीला हॉस्पिटल है, लाइफलाइन हॉस्पिटल है, डॉक्टर अरुण सिन्हा, डॉक्टर शशिकर, डॉक्टर राजीव सिन्हा मुक्षदा के प्रिंसिपल, DEO हमारे DEO साहब सरकारी हैं, हमारे DEO साहब भी हस्ताक्षर करके एक पिटीशन हम लोग साइन करके गए थे नगर आयुक्त के पास आज से 5 दिन पहले। पहला सवाल वो मेरे से पूछते हैं कि ज़मीन आपकी है क्या, हमने बोला नहीं सर ज़मीन तो सरकारी है, तो बोलते फैसला आप लेंगे, फैसला भी आप लीजिए सर, लेकिन हमारा तो जनता यहाँ जो लोकल लोग हैं सबको उम्मीद है कि आप ताजमहल बनाइए, यहाँ कूड़ा महल तो मत बना दीजिए। जब बात आगे बढ़ा तो हम बोले सर कि आप यहाँ वेंडिंग जोन बना दीजिए, पार्किंग बना दीजिए, इवन शौचालय बना दीजिए, तो उनका एक जवाब था आपसे पूछ कर करेंगे। चलिए सब बात सही है, आप मेरे से भी मत पूछिए, लेकिन आप आते तो सर साल दो साल के लिए हैं यहाँ पर, उसमें आप क्या करते हैं, जो मन आया वो फैसला ले लिए, ग्राउंड लेवल पर आप जाते नहीं हैं, आप लोकल लोग से पूछ नहीं रहे वहाँ क्या समस्या है उनकी, और उसके बाद आपको जो फैसला लेना है आप लेकर हम लोगों के ऊपर थोप कर चले जाते हैं। पूरे सूबे के साथ साथ भागलपुर नगर निगम चुनाव को हाईकोर्ट के आदेश से टाल दिया गया है। चुनाव की तिथि अभी सुनिश्चित नहीं हुई है, उस पर अभी भी ग्रहण लगा हुआ है। इसी को लेकर भागलपुर समाहरणालय के सामने भाजपा के द्वारा नगर निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म करने और नगर निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने की मांग को लेकर धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सोची समझी राजनीति के तहत पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने के लिए बिहार सरकार और मुख्यमंत्री के द्वारा यह कदम उठाया गया है, जिस कारण हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाई है। वहीं उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द आरक्षण लागू कर नगर निगम चुनाव बिहार में कराया जाए, जिससे नगर सरकार के द्वारा किए जाने वाले काम में बाधा उत्पन्न न हो। जिस प्रकार बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की सरकार ने नगर निकाय चुनाव के आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कराने का काम किया है और चुनाव को रद्द कराने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी आज उसके विरोध में धरना पर बैठी है और यह मांग करती है कि सरकार ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अतिशीघ्र अति पिछड़ों की जो हकमारी करने का काम जो सरकार ने किया है उस अति पिछड़ों के हक को सरकार देने का काम करे और अतिशीघ्र बिहार के अंदर यह चुनाव कराने का काम करे। आज सोची समझी साजिश के तहत नीतीश कुमार जी ने बिहार के खजाने को लूटने देने के लिए आज यह व्यवस्था लागू कराई है। वह क्यों नहीं अभी तक, एक तो इसके विरोध में न उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और न ही आयोग का गठन किया है। क्या उनकी यह मंशा है कि इस व्यवस्था में सरकार सीधे जो है नगर निगम की मॉनिटरिंग करे और जिस प्रकार की सरकार की जो नियति रही है, तेजस्वी यादव की जो नियति रही है कि उनके किस प्रकार वह जब शासन में रहे हैं तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किए हैं, तो क्या आज उस भ्रष्टाचार में नीतीश कुमार सहयोग करने जा रहे हैं? बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अब धरातल पर दिखने लगी है। इस योजना के तहत भागलपुर में महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी ने लोन लेकर भागलपुर के नाथनगर के मनसर गोस्वामी टोला में सरसों तेल का उद्योग लगाया है। महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी ने देसी होम फ्लेवर नाम से सरसों तेल का प्लांट लगाया है। पूर्ण रूप से आधुनिक सरसों तेल मशीन से 1 घंटे में 1 क्विंटल सरसों पिराया जाता है। 10 दिन पूर्व शुरू किए गए कच्ची घानी सरसों तेल की क्वालिटी अच्छी होने के कारण लोग काफी चाव से देसी होम
फ्लेवर सरसों तेल खरीद रहे हैं और लगातार बाजार में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। शुद्ध तेल की मांग बढ़ती देख उत्साहित महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी कहती है कि बाजार में शुद्ध सरसों तेल की कमी थी, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए उसने यह कदम उठाया और प्लांट की स्थापना की। साथ ही कहा कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध चीज खाना चाहिए और उनकी सरसों तेल की फ्री होम डिलीवरी भी की जाती है। बाजार में शुद्ध सरसों तेल की कमी को देखते हुए मेरे मन में ये ख्याल आया कि हम शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन करें, इसलिए हमने ऑटोमेटिक शुद्ध सरसों तेल का प्लांट बैठाया है जिसमें फिल्टर्ड के होके शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन होता है। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि लोगों के घर डोर टू डोर फ्री होम डिलीवरी के साथ शुद्ध सरसों तेल हमारा पहुँचे। और हमारा यही स्लोगन है, स्वस्थ रहो मस्त रहो, स्वास्थ्य ही सब।